अभी मैं आपको डायरेक्टली पॉइंट पे लेके आता हूँ। हम आज चेक करने वाले हैं कि फेसबुक ऐड का रिजल्ट मेरा कैसे फेसबुक ऐड का रिजल्ट आ रहा है और किस तरीके से आप अपना एड्स रन कर सकते हो। तो सिंपली जिनको पता नहीं फेसबुक ऐड क्या होता है उनके लिए अलग से वीडियो है ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं डायरेक्टली अभी आपको एक ऐड लगा के दिखाने वाला हूँ जिस तरीके का मेरा ऐड चल रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल पे सर्च करना है फेसबुक ऐड मैनेजर। आपके सामने मैंने सर्च कर लिया, यहाँ पे लिंक आ जाएंगे। जैसे जो सेकंड वाला लिंक है इसके ऊपर आप क्लिक कर लो। यहाँ पे गो टू एड्स मैनेजर ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करो। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपका जो ऐड अकाउंट है वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। देन वहाँ पे बाजू में जो है कैंपेन्स का ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक कर दो। तो यहाँ पे आपके जितने भी कैंपेन्स आपने पहले रन करे होंगे फिर अभी के टाइम पे चल रहे होंगे वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अभी एक बार मैं आपको अपना रिजल्ट दिखा देता हूँ, देन मैं आपको डायरेक्टली एक ऐड क्रिएट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। दो कैंपेन्स मेरे चल रहे हैं, एम ऐड कॉपी टू नाम का और एक एम ऐड कॉपी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पे जो है 858 मैसेज आए और एक पे 824 मैसेज आए। रीच यहाँ पे आप देख सकते हो 72,000, 81,000 इम्प्रेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। कॉस्ट पर रिजल्ट एक पे 4 रुपये 56 पैसे चल रहा है और एक पे 3 रुपये 97 पैसे, ठीक है। और टाइमिंग भी यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस मंथ का है, ठीक है, दिस मंथ का है। अगर मैं इसको लास्ट मंथ कर दूँ, एक मिनट, लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ में बस यही पहले वाला एक कैंपेन चल रहा था जिस पे 3 रुपये के लगभग मैसेज कॉस्ट पड़ रही थी और जिस पे 762 मैसेज मुझे रिसीव हुए थे, ठीक है। तो इस तरीके से फिलहाल मेरा कैंपेन चल रहा है। जहाँ पे मुझे अगर रोएस की बात करूँ तो 3 टाइम्स रोएस मिल रहा है, मतलब अगर मैं 10 रुपये स्पेंड कर रहा हूँ तो मुझे 30 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल। अब बात करते हैं किस तरीके से कैंपेन क्रिएट करना है। उससे पहले बता देता हूँ ये जो कैंपेन अभी चल रहे हैं ये मैं रीजनल लैंग्वेज में कर रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं ये जो कैंपेन है मराठी में चला रहा हूँ और ये एफिलिएट मार्केटिंग के लिए चला रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आपको एड कॉपी अच्छे से समझ आएगी और अगर आप किसी और स्टेट से हो जहाँ पे आपको मराठी लैंग्वेज नहीं आती है तो बस आप ये समझ लेना कि उस एड कॉपी में क्या लिखा है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद इंगेजमेंट का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, इंगेजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, देन करेंगे कंटिन्यू, उसके बाद मैनुअल के इंगेजमेंट कैंपेन कंटिन्यू। यहाँ पे आप नाम दे सकते हो। अब मैं जैसे यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ YT वीडियो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ये आपके ऊपर है आपको ऑन करना है नहीं करना। फिलहाल के लिए मैं ऑन कर देता हूँ एडवांस कैंपेन बजट, इसको CBO भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं बजट लगा देता हूँ, स्टार्टिंग में कम बजट लगाओ उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाओ। तो यहाँ पे मैं फिलहाल 260 रुपीज़ का बजट लगा रहा हूँ एंड देन कर देंगे हम नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाना है आपको एड सेट लेवल पे। यहाँ पे मेरा एक अलग से इंस्टाग्राम अकाउंट है जो कि मराठी में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑलरेडी मैंने कनेक्ट कर रखा है। अगर आपको ये कनेक्ट करना नहीं आता तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा। देखो प्रॉपर अगर आप थोड़ा सा एक एक चीज़ अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको हर एक चीज़ पे वीडियोस मिल जाएगी। जहाँ पे आप अपना फेसबुक पेज से इंस्टाग्राम पेज यहाँ पे आपको कनेक्ट कर लेना है, देन नीचे आ जाओ, आप नीचे आ जाओ और थोड़ा सा नीचे आ जाओ, यहाँ पे आप शेड्यूल चूज़ कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि अभी से मेरा ऐड रन हो जाए तो इसको मैं वही रहने दूंगा। नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे मैं इंडिया की जगह कर दूंगा सिर्फ महाराष्ट्र, क्योंकि मेरे को चलाना है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। अब अगर आप बाहर से देख रहे हो तो आप अपने आसपास के एरिया के अंदर टारगेट कर सकते हो। कुछ लोग राजस्थान से होंगे, कुछ लोग यूपी से होंगे, तो वो अपने अपनी जगह का टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे को अभी रीजनल जगह पे रीजनल लैंग्वेज में अच्छा रिजल्ट आ रहा है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। देन आप नीचे आ जाओ, उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है यहाँ पे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, इसको आप कर लो क्योंकि हमें ओरिजिनल ऑडियंस लगाने, ऑटोमेटिक ऑडियंस नहीं लगानी। नीचे आ जाओ, महाराष्ट्र मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। अब बात करते हैं एज की, तो मैं एज लगा रहा हूँ 19 से लेकर 28 तक, जो मेरे को लगता है कि सही है। उसके बाद जेंडर्स के अंदर ऑल रहने दो, उसके बाद डेमोग्राफी के अंदर मैंने कुछ भी डाला नहीं हुआ है, हाँ मैंने कुछ भी डाला नहीं हुआ है। उसके बाद प्लेसमेंट के अंदर आ जाओ, यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट के ऊपर क्लिक कर दो। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को आप थोड़ा सा मतलब धीरे करके भी देख सकते हो क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट ही बोलता हूँ। यहाँ पे आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पे ऐड रन करना है। तो मैं फिलहाल फीड पे चलने दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम प्रोफाइल को मैं हटा देता हूँ, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर को भी मैं हटा देता हूँ, इंस्टाग्राम फीड पे चलेगा, इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड इंस्टाग्राम रील्स, बस ये तीन ही जगह पे मेरा ऐड अभी फिलहाल के लिए चल रहा है। देन हम करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद हम आ चुके हैं ऐड लेवल पे, जहाँ पे यहाँ पे इंगेजमेंट ऐड लिख के आ जाएगा। पार्टनरशिप ऐड को आप ऑफ कर दो और उसके बाद मल्टी एडवर्टाइजर ऐड इसको भी आप ऑफ कर दो। देन आप कर दो सेटअप क्रिएटिव वीडियो ऐड, देन यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट आपको डालना है, नेक्स्ट कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे आपको लगा देना है वीडियो, जो आप वीडियो लगाना चाहते हो, ठीक है। तो मेरा वाला ये वीडियो है
जो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देखो, इसके अंदर मैंने ऐसा लिखा हुआ है, मैं हिंदी में बता देता हूँ। एक बार मैंने 599 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया था और अभी वो जो है 14 लाख रुपीज़ बन चुका है। इस तरीके से ये लिखा हुआ है, मैं इसको प्ले भी करके दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से ऐड कॉपी है, इसको हम कर देंगे डन। ठीक है, अब यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे आपको लिखना है प्राइमरी टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट लिख देता हूँ, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप नहीं लिख देता, मैसेज लिख देता हूँ, मैसेज मी फॉर मोर इन्फो। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि ये लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे। और हमारा ऐड किस तरीके का दिखेगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, रील्स में जो है इस तरीके का ऐड दिखेगा हमारा, और ऊपर जो है ये फीड का है और ये स्टोरी का है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ आप। यहाँ पे जो मैसेज टेम्पलेट से, इसको मैं यूज़ एग्जिस्टिंग करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी रिप्लाई लगाए हुए हैं। और इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा इंस्टाग्राम पे, आपको ऑटोमेशन कैसे सेट करना है, अगर कोई भी कुछ भी मैसेज आपको करता है तो उसको ऑटोमेशन पे कैसे मैसेज जाए, इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, और वो भी फ्री में कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेट कर रखे हैं। अगर आपको सेट करना नहीं आता, क्रिएट न्यू के ऊपर आ जाओ और यहाँ पे एडिट के ऊपर डाल के आपको कौन क्या मैसेज करेगा, किसका क्या रिप्लाई जाना है, ये यहाँ पे आपको सेट करना होता है, जो कि काफ़ी इजी है, आप खुद भी कर लोगे। मेरे को पता है, अगर आप फेसबुक ऐड आपको आता है तो वो बहुत सिंपल सी चीज़ है जो हर कोई भी कर सकता है। ठीक है, अब क्या है भाई, हमारा कैंपेन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो एक बार मैं फिर से आपको बस रिव्यू कर देता हूँ। रिव्यू, यहाँ पे हमने कैंपेन का नाम डाल दिया, यहाँ पे बजट डाल दिया, पहले स्टेप पे तो उतना ही करा। देन हम आ गए नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे हमने जो है मैसेज कैंपेन से, यहाँ पे मैसेज ऐप सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे क्लिक टू मैसेज सर्च कर मतलब सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे चल रहा है, बस फेसबुक के नहीं चल रहा है, बस इंस्टाग्राम पे चल रहा है, ये भी याद रखो। ठीक है, अगर आपके पास व्हाट्सअप बिजनेस है तो व्हाट्सअप को कनेक्ट करके आप व्हाट्सअप बिजनेस से भी लेके आ सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन है। देन हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे ऑडियंस है हमारी, जहाँ पे महाराष्ट्र है, एज 19 से लेके 28 तक है। और यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग के अंदर कुछ भी चीज़ें नहीं डाल रखी है। मैनुअल प्लेसमेंट मैंने ऐड कर रखी है, जिसमें इंस्टाग्राम फीड है, इंस्टाग्राम स्टोरी है और इंस्टाग्राम रील है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से एक सिंपल ऐड कॉपी है। प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, सिंपल प्राइमरी टेक्स्ट भी है। और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सेंड इंस्टाग्राम मैसेज का है, यहाँ पे कुछ लोग लर्न मोर का भी लग सकते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आपको इंस्टाग्राम पे कोई पर्सन मैसेज कर रहा है तो यही रखो, सेंड इंस्टाग्राम मैसेज। एंड सिंपली आपको कर देना है पब्लिश। जैसे ये पब्लिश करोगे, इस तरीके से जो आपका ऐड है वो यहाँ से हो जाएगा पब्लिश, एंड ये चला जाएगा रिव्यू में, वो फुली आपका भी एक्टिव हो जाए। तो इस तरीके से आप अपने खुद के ऐड कॉपी बना सकते हो। देखो, खुद के ऐड कॉपी बनाओगे तो फ़ायदा ये है कि कोई भी पर्सन जब आपको मैसेज करता है तो वो आपको देख के ही मैसेज कर रहा है, तो वो जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसका ट्रस्ट आपके ऊपर जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना ऐड रन कर सकते हो। मैंने आपको अपना रिव्यू दिखा दिया है, तो होप कि आपको इस वीडियो के अंदर पता लगा होगा। यार, मेरा या ये रहता है ना कि जैसे मैं कुछ अगर चीज़ें कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ताकि वो चीज़ें देख के आप खुद भी कर पाओ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर देना इस वीडियो को, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू सो मच।